नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। न्याय पाना सभी का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। विराम। कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता। विराम। सभी व्यक्तियों को एक ही तराजू से तोला जाता है। विराम। न्याय पाने के स्वाभाविक अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विराम। पैरा। भारत का संविधान भी अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं न्यायिक समानता प्रदान करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति सांस्कृतिक विश्वास धर्म एवं उपासना पद्धति के अंगीकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। विराम। कानून के समक्ष समानता के अधिकार के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। विराम। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के आकार की है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। विराम। लगभग प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और उनके अंतर्गत निचले अधीनस्थ न्यायालयों का एक पूर्ण तंत्र है। विराम। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि नामों से भी पंचायत न्यायालय कार्यरत है। विराम। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के पीछे एक ही उद्देश्य है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। विराम। कहीं किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और न्याय के न मिलने पर समाज का कोई व्यक्ति या कोई वर्ग कुंठित न हो। विराम। पैरा। निर्धन वर्ग हेतु समानता का अर्थ है नागरिक सेवाओं एवं सेना से लेकर व्यापार एवं उद्योग धंधों तक प्रत्येक प्रकार के विशेषाधिकार का समाप्त किया जाना। विराम। उनके विचार में वे समस्त चीजें समाप्त की जानी चाहिए जिनसे असमानता उत्पन्न होती है। विराम। सामाजिक न्याय की प्राप्ति आर्थिक राजनीतिक एवं सरकारी समानता एवं सहभागिता के अभाव में नहीं हो सकती। विराम। मानव मात्र की स्वतंत्रता समानता और गरिमा का दावा करने वाली उदार भारतीय परिवेश की तस्वीर अत्यंत भयावह और मार्मिक है। विराम। न्यायालयों में धनी वर्ग का बोलबाला है। विराम। यह वर्ग अपने धन के बल पर कानून को खरीदने और उसका रुख अपने अनुकूल बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता है। विराम। वकीलों ने तो जैसे सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की कसम ही खा रखी है। विराम। न्यायालय अपने निर्णय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही प्रेषित करते हैं। विराम। इसका परिणाम यह होता है कि धनी वर्ग न्यायालय का निर्णय अपने पक्ष में कराने के लिए इन साक्ष्यों और गवाहों की खरीद फरोख्त करते हैं। विराम। कुछ पैसों की खातिर अपना ईमान तक बेचने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। विराम। इस प्रकार की स्थिति में न्याय की आशा कर पाना वह भी एक निर्धन व्यक्ति द्वारा असंभव सा जान
पड़ता है विराम, जो वर्ग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं भोजन वस्त्र आवास तक की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो, उसके लिए धन कुबेरों अथवा उनके रिश्तेदारों को न्यायालय की समरभूमि में पराजित कर न्याय को अपने पक्ष में कर पाना सर्वथा एक सुनहरा स्वपन सा ही प्रतीत होता है विराम पैरा। यह बात आज भारत की न्याय व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि किस प्रकार से धनपतियों के लिए न्यायालय की सुनवाई बहुत कम समय में ही शुरू हो जाती है और उतने ही कम समय में मुकदमे का निर्णय भी मिल जाता है, जबकि सामान्य या गरीब वर्ग से जुड़े मुकदमों की सुनवाई शुरू होने में ही सालों लग जाते हैं और निर्णय तक पहुंचने में पूरा जीवन भी गुजर सकता है विराम। यह प्रश्न कि धनपतियों तथा निर्धन वर्ग के मुकदमों में ऐसी कौन सी असमानता होती है कि इन मुकदमों में लगने वाले समय में जमीन आसमान का अंतर होता है हमेशा ही उठाया जाता है विराम। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बात मानी है कि भारत की न्याय व्यवस्था अमीर बलशाली तथा प्रभावी व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई को प्राथमिकता देती है, जबकि सामान्य व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई को टाल दिया जाता है विराम। भारत में 65,000 मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में, 42,00,000 मुकदमे उच्च न्यायालय में तथा 2.9 करोड़ मुकदमे ट्रायल कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं विराम। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए न्यायमूर्ति H.L. दत्तू और न्यायमूर्ति S.J. मुखोपाध्याय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, कभी कभी मुझे अपनी व्यवस्था पर आश्चर्य होता है विराम। ये 2013 की एक याचिका है जिसकी तुरंत सुनवाई हुई विराम। कितने मुकदमों में हम ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए एक गरीब व्यक्ति यह महसूस करता है कि व्यवस्था केवल जाने वाले व्यक्तियों की परवाह करती है, जबकि अनजान व्यक्तियों सामान्य व्यक्ति को अनदेखा कर दिया जाता है विराम पैरा। संविधानतः गरीबों को भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है विराम। निर्धनता अथवा गरीबी मानवाधिकारों का सबसे अधिक गंभीर उल्लंघन है विराम। हर प्रकार से एक मनुष्य को वंचित रखना उसके मूलभूत अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए विराम। देश में निर्धनता के कारण करोड़ों लोगों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है विराम। रोटी कपड़ा और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित इन लोगों तक न्याय का पहुंचना टेढ़ी खीर है विराम। समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का इनमें न सामर्थ्य है और न ही शक्ति विराम। उन्हें उच्च वर्ग द्वारा दबाया जाता है और अपनी बात कहने का इन्हें कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता विराम। इस वर्ग धनी वर्ग पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है विराम। साथ ही न्यायपालिका को भी गरीबों के प्रति अपना रुख पर्याप्त लचीला बनाना होगा विराम। सभी वकीलों को अपने कैरियर के शुरुआती दौर में कम से कम 3 वर्ष तक गरीबों के मुफ्त अथवा केवल
फाइल चार्ज की कीमत पर ही मुकदमों की सुनवाई करनी चाहिए। विराम, वकीलों को इस 3 वर्ष की योग्यता के आधार पर ही वकालत की डिग्री अथवा आगे कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए। विराम, तेज तर्रार और अच्छे वकीलों पर एक अन्य अंकुश यह भी होना चाहिए कि उन्हें वर्ष में कम से कम 2 मुकदमे उन लोगों के भी लेने चाहिए जो न्याय के लिए धन दे पाने में असमर्थ हैं। विराम, यदि वे ऐसा नहीं करते अथवा इसका पालन नहीं करते तो उन्हें अपराधी माना जाए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। विराम, धन्यवाद साथियों।